एक्शन, इवन अ स्लैप इज एन एक्शन. तो हम हमारा पहला वर्ड आता है एक्शन, ए फॉर एक्शन, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन. जो जो कैरेक्टर आपको निभा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रखते हैं, फोकस्ड है ना. फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस वाला का रोल कर रहा हूँ जो बदमाश पुलिस वाला है, रिश्वतखोर पुलिस वाला है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी सोच है ना, उसकी बात करने का ढंगा तो वो चीज़ें मैनरिज्म में कैरेक्टर को पकड़े रहोगे तो आप कर पाओगे कैरेक्टर. और कैरेक्टर को पकड़ने के लिए क्या करना है, ऑब्जर्वेशन. कॉन्सेंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन इज अ टू थिंग, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बहुत ही मवाली टुच्चा टाइप का रोल करने का कैरेक्टर का मिला है. अब ना हम कभी टुच्चे हैं, ना हम मवाली रहे, ना हमारी भाषा ऐसी, हम यूपी से, तो हम कहाँ जाएंगे, भिंडी बाजार साइड में है ना, किसी से दोस्ती करेंगे. वो बोला पुल तो पुल, हे बिरा डाला तेरे को, हे सबाना से इश्क हो गया मेरे को, है ना. अरे आप ऐसे बोल रहे हो, तो हम उसको कॉपी करेंगे. वो सबाना बोल रहा है इश्क हो गया है ना तेरे को, मेरे को ए खोल दिया घोड़ा, ए फट गई मेरे को ये. तो वो लैंग्वेज जो है ऑब्जर्वेशन से मिला ना मुझे कैरेक्टर, और वो ऑब्जर्वेशन हमने इस कैरेक्टर में डाला, कैरेक्टराइज है ना, मतलब कंसंट्रेट किया उस कैरेक्टर को ताकि हम अच्छा निभा पाए है ना. अब एक लड़की रेड लाइट एरिया का रोल कर रही है, बिक गई है, किसी मामा किसी ने उसको रेड लाइट पर भेज दिया. जिंदगी में आप उस एरिया में कभी नहीं गए है ना, लेकिन किरदार मिला तो किरदार निभाना होगा. ये नहीं कि सिर्फ डायलॉग बोल के निकल गए, तो आपको क्या करना पड़ा, ऑब्जर्व करना है. उस तरह की लड़कियों के साथ जाकर ऑब्जर्व करना है. मैंने शायद पहले बताया था कंगना रनावत के साथ कुछ करे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया उस कैरेक्टर को जाकर बखाता. सादे वर्दी में पुलिस वाले थे, ताकि एक बड़ी एक्ट्रेस है उनको है ना, कोई आदमी पकड़ ले तो पुलिस वाले रहे. वो जाकर उसने लड़कियों से बात की, जो कुछ तो लड़की अपनी मर्जी से लाइन में आई थी, अंदर का प्रेशर आई थी, 90% प्रेशर में आती, मर्जी किसी की नहीं होती, तो क्या पैसा की मर्जी है, तकलीफ भी है. तो उसको ऑब्जर्व करके उन्हें उस कैरेक्टराइजेशन में अपने डाला, कंसंट्रेशन है ना, उस कैरेक्टर को निभा रहे. तो उनकी चाल, उनकी ढाल बिल्कुल वही नर्तकी की होनी चाहिए जैसे वो किरदार हो रहा है. तो एक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, टाइमिंग, टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्शन एंड कॉमेडी. कॉमेडी, अगर कॉमेडी के अंदर जो हम पंच लाइन दे रहे हैं, अगर वो पंच लाइन प्रॉपर नहीं गई तो हंसी नहीं आएगी है ना. आपको कहते हैं जो खत्म हो गया आप हंस रहे हैं, हाँ 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 हाँ, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया कि आपने जो बनाया. तो कॉमेडी एंड एक्शन, एक्शन में जो ब्लो होता है, कुछ सिखा हमने ब्लो मारा, ब्लो के टाइम में निकलने से पहले अगर फेस बच्चे ने या स्टूडेंट ने या जो रिएक्टर ने पहले हटा लिया तो एडिटर पागल हो जाएगा, शॉट नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आधे से पहले से फेस अलग कर लिया, या फेस निकल गया अजय देवगन का सिंगम का पंच निकल गया, रिलायंस को आ गया जब मैंने पंच मार दिया, यू हैव टू टर्न योर फेस एडिटर, क्योंकि आपके निकलने के बाद आपने रिएक्शन दिया, टाइम का गेम है ना. तो एक्शन एंड द कॉमेडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइमिंग, देन द ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई ऐसा किरदार कर रहे हैं, डॉक्टर हैं आप, या लड़की एक डॉक्टर है जो जान बचा सकती है, एक्सपर्टाइज है ना, अमेरिका से पढ़ के आई है. सारे माँ बाप क्या समझते हैं कि धरती पर डॉक्टर है और ऊपर भगवान है, वही मेरे बच्चे को बचा सकता है ना, वो वेट कर रहा है और आपका चाल है, आ रही है ऑपरेशन करने के लिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आगे पीछे डॉक्टर जा रहे हैं, मैडम वो मैंने एनेस्थेसिया दे दिया है, लड़का दोष है नहीं, और आप जा रहे, आपका जो किरदार वैसे लगेगा ये उड़ा देगी, अब जाके ऑपरेट करेगी बचा देगी जान. तो ये जो है ये ऑब्जर्वेशन बच्चे है ना, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं, बचा लीजिए मेरा एक ही बच्चा है, उसे भरोसा किया है ना, जाके ऑपरेशन करता है, कैसे बचाता है, कैसे करता है. जैसे सिंगम, अब सिंगम अजय भाई किसी स्कूल में नहीं गए, किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गए, तो मालूम है कैरेक्टर क्या है. अब अगर आप उस कैरेक्टर कर रहे हैं, एक पुलिस वाला है पुलिस वाला इंस्पेक्टर, लेकिन उसकी इतनी साख नहीं है कि नेता तक पहुंच जाए, उसको टीम चाहिए, और हम लोग जी हजूरी करते नेता, नेता ही लोग हैं जो हमारी बजा रहे हैं. फिर कुछ एक्टिंग ऐसी होती है दोस्तों जिसमें कोई लाइन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देना है. मैं आपसे कहता हूँ मुझे आपसे प्यार हो गया, चेहरे में क्या रिएक्शन आएगा,
अगर आप भी प्यार करते हो या करती हो, अलग रिएक्शन आएगा। आपके लिए सरप्राइज है कि इन्होंने कैसे मुझे आई लव यू बोल दिया, वो भी रिएक्शन अटैक रिएक्शन है। आप सुनकर नाराज हो रही, उसके लिए रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ना, ये गेम है जिसके एक एक्सपर्ट थे मरहूम इरफान भाई, बहुत सारी खड़े हो जाते थे ना, उनकी बड़ी बड़ी आंख कुदरतें दिया था, बड़े बड़े ये मतलब रिकॉर्ड मत कीजिएगा, मैं ऐसी चीज नहीं नहीं अंदरूनी नहीं कि मतलब वो एक फिल्म थी बिल्लू बार बार, इसका नाम से बार बार बिल्लू था, कुछ नाइयों ने अपोज किया बिल्लू क्यों बार बार क्यों, तो बिल्लू उस टाइम में शाहरुख खान साहब को ट्रेंड करा था, वो बहुत ही मॉडेस्टी आदमी है, बहुत ही सीधे आदमी, सच्चाई जो मैं जिस शाहरुख को जानता हूँ, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं, एफर्ट मेहनत